अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। शहर में देश के भविष्य बनाने जा रहे बच्चों की राहों में आ रही धूल और दुर्घटनाओं को न्योता देता रास्ता। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगोन तक आने वाला रास्ता विगत कई दिनों से खुदा हुआ है, नहीं हो रहा निर्माण कार्य। खरगोन शहर में उत्कृष्ट विद्यालय के बाद से शुरू हुए रास्ते का टुकड़ा, जो कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 तक का रास्ता, विगत कई दिनों से खुदा हुआ है। रास्ते से मुख्यतः बालिकाओं का स्कूल जाना आना है और साथ ही आवाजाही भी इस रास्ते पर चलती रहती है। इस रास्ते को विगत कई दिनों पूर्व खोद दिया गया है, परंतु अब तक निर्माण की कोई गतिविधि नहीं दिख रही। ऐसे में वहां से आने जाने वाले लोगों सहित छात्रों को कठिनाई उठाना पड़ रही है। इस रास्ते पर धूल मिट्टी भी उड़ रही है। देखें दृश्य और सुने राहगीरों की बातें। इसी हालत में है और इस रोड पे बच्चों का आना जाना डेली होता है, क्योंकि इधर स्कूल है तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। जल्दी से जल्दी इसका कुछ किया जाए और इसको सुधारा जाए। ये गिट्टी धूल मिट्टी के कारण परेशान हो रहे हैं। गिट्टी धूल काफ़ी के कारण परेशानियाँ होती है, क्योंकि अभी जो अपना कोरोना काल चल रहा है उसमें भी सर्दी खांसी की प्रॉब्लम इससे अधिक होती है। अस्थमा के लोग भी परेशान होते हैं। अस्थमा के लोग भी परेशान होते हैं। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट खरगोन।